नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज लाइव। अभी हम ओम हॉस्पिटल खगड़िया आए हुए हैं। डॉक्टर पवन कुमार से खास चर्चा होगी। देख रहे हैं ठंड बढ़ गया है, कुछ ठंड पर बातचीत चलेगी। पहले चले परिचय ले लेते हैं। तिरछी आंख में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार है। मैं नए साल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। एक सवाल मन में है कि देख रहे हैं ठंड बढ़ गया है, ठंड में कौन कौन सा बीमारी आता है, किससे बचना चाहिए ठंड में, इसके बारे में बता रहे। देखिए, ये तो विदित है कि ठंड होनी ही है। दिसंबर का महीना लास्ट है, तो ठंड में जो है सबसे पहले तो घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। ठंड के साथ साथ कुहासा का मौसम है, तो रोड साइड एक्सीडेंट भी अक्सर होते रहते हैं। तो जब फॉग हो, कोशिश करें कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब निकलें तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढक के निकलें, और निकलने से पहले गुनगुना पानी, सफिशियंट पानी पीना जरूरी है। और देख रहे हैं सर, ठंड में बीपी है ना, बढ़ जाता है। ठंड में बीपी क्यों आता होता है, इसके बारे में बता दें। देखिए, ऐसा होता है कि जब हम लोग सोए रहते हैं तो रजाई ढके रहते हैं, और तभी कोई, जैसे कि अक्सर सुनते होंगे कि कोई बुजुर्ग लोग हैं, निकले बाथरूम गए और वहीं गिर गए। तो ये जो मौसम के कारण से बीपी का बहुत फ्लक्चुएशन होता है, तो जब भी आप बेड से नीचे उतर रहे हैं, टॉयलेट जाना है कुछ भी, तो थोड़ी देर के लिए रुके, सडन बेड से उतर के बाथरूम की तरफ ना जाए, थोड़ी देर के लिए रुके, अपने शरीर को कोई चादर से ढक लें, फिर धीरे धीरे अपने जाए। खासकर बुजुर्गों में ये अक्सर देखा गया कि तुरंत निकलने के बाद, रूम से बाहर जाने के बाद अक्सर चक्कर आके गिर जाता है। तो थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, शरीर को ढक के रखना पड़ेगा, और पानी लेने में अक्सर लोग कमी कर देते हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि पूरा शरीर हमारा हाइड्रेट रहे ठंड में भी। हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है, इसके लिए जिम्मेवार है। हम लोग का जो खान पान है, हम लोग जो जितने सोचते हैं, चौरस से ज़्यादा तनाव का जिंदगी हो गया है, इन सब से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। हंस के मुस्कुरा के जिंदगी जीनी पड़ेगी। जिंदगी है, इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है। लेकिन बच्चों को देखिए, अनावश्यक दबाव है उस पर, पढ़ने का बोझ है, माता पिता उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं। ये बात हो गई। बुजुर्ग उनको है, घर में छोटे छोटे बात के लिए वो जो है अपने ऊपर पूरा तनाव लेते हैं। घर का माहौल जो पहले जो था, जो परिवार था, मिलजुल करके बड़ी सारी समस्याओं को सॉल्व करते थे, लेकिन अब जो है एकल परिवार हो गया है, बच्चे बाहर रहते हैं, माँ बाप दूसरे जगह रहते हैं, तो ये सब तनाव की बहुत सारी वजह हैं। बहुत सारे तनाव को हम लोग बच सकते हैं उससे, तो जहाँ तक हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में वो अपनी बात को शेयर करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। और कोई जरूरी नहीं है कि बीमार हो तभी डॉक्टर के पास जाए, बीमार होने से पहले अपना रूटीन चेकअप करवाएं। 60 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, अपना जो शुगर का कुछ रूटीन चेकअप करवाएं, ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाएं। बीमार होने से पहले डॉक्टर के पास आने का ये प्रवृत्ति जो हम लोग के पास नहीं है, तो ये प्रवृत्ति अपनानी पड़ेगी कि हम बीमार होकर डॉक्टर के पास ना जाए, बल्कि बीमार होने से पहले डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाए। मगर एक सवाल में और मन में है सर, कि बच्चे लोग मोबाइल से देखते हैं बहुत परेशान, मोबाइल में कौन कौन बीमारी आता है, जरा कुछ संदेश दीजिए, बच्चे सुने, बुजुर्ग सुने, इनके गार्जियन सुने, मोबाइल से क्या बीमारी होता है। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग ही जिम्मेवार है बच्चों को, अपनी बीमारी बचने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। जॉब पे जा रहे हैं, मोबाइल दे दिया, अपने काम करने निकल गए। और दूसरी बात है कि आउटडोर गेमिंग का जो प्रचलन है वो कम हो गया है, तो हम अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, और बच्चे उसके आदी हो जाते हैं, जिस कारण से उनके, अभी देखा गया कि उनके जो बिहेव है काफी बदल गए हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जाना, झुंझलाहट, आपस में झगड़ा करना, अगर आप बच्चे को मोबाइल नहीं देंगे तो खाना नहीं कहेंगे। तो ये सब चीज़ जो बदलाव आया है, इसके लिए एक प्रोटोकॉल है कि हम कितने देर तक बच्चों को क्या दें, क्या समझाएं,
ये सब चीज अपनाना पड़ेगा, जो मोबाइल से बचे कैसे, कोशिश कर रहे हैं कि उनको आउटडोर गेम का आदत लगाए, बैडमिंटन खेलना है, घूमने जाना है, इससे बच्चे कम से कम मोबाइल के लत के आदत हैं। देखिए जमाना बदल रहा है, बच्चों को हम पूरी तरह मोबाइल से दूर नहीं रख सकते, लेकिन जहां तक हो सके उससे बचना चाहिए, ताकि उसमें जो क्षणिक बदलाव आता है, गुस्सा आ जाता है कि मोबाइल नहीं दीजिएगा तो हम ये काम नहीं करेंगे। कई लोग तो ये देखते कि उन बच्चे लोग मोबाइल नहीं दिया तो खाना नहीं खाया, तो ये सब चीज जो है हमको थोड़ी थोड़ी बदलाव करके समझ। बीमारी भी होता है क्या? देखिए मोबाइल देखने से एक तो डायरेक्ट इफेक्ट है, एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है। डायरेक्ट इफेक्ट है कि आंखों पर असर, बहुत तरह के आंखों के जो रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम है, एस्टिगमेटिज्म है, ये ज्यादातर हो रहे हैं। बच्चों को देखेंगे आंख से पानी गिर रहा है, ये तो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट इफेक्ट है कि उसका उनके जो बिहेवियर है उसमें बदलाव देखा गया, उनका जो सोचने का ढंग है वो बदल गया है। जो नॉर्मल हो, जो मोबाइल में देखते हैं वो उसी का फॉलो करते हैं। यूट्यूबर्स बनने का पहले मोबाइल देख करके लोग जो है कुछ अच्छी बात करते थे, आजकल वो यूट्यूबर्स बन रहे हैं। उनका एम बनता है कि मैं यूट्यूबर्स बनूं, ऐसे पैसा कमाऊं। तो जो सोच में बदलाव है ये भी एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है मोबाइल का। तो हम लोग को एक बैलेंस रखना पड़ेगा, अपने बच्चे को कितने मोबाइल दें और कितने ना दें।